हेलो, व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी, दिस इज़ मी स्कोरिंग गुरु। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं, आपने थंबनेल भी पढ़ लिया होगा और टाइटल भी पढ़ लिया होगा, बैकग्राउंड स्कोर यूट्यूब वीडियोस के लिए हम लोग कैसे ढूंढते हैं या कैसे बनाते हैं। और जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी आप जब वीडियो देखते हो, वेर इट बी हर्ष बेनीवाल, भुवन बैम, आशीष चंचलानी, ये जितने भी लोग हैं, हर्षदीप आहूजा, ये जितने भी लोग हैं जो लोग वाइंस करते हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, इनका बैकग्राउंड म्यूज़िक यूजुअल यूट्यूब के जो इंफॉर्मेटिव बैकग्राउंड म्यूज़िक होते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। तो वो अलग क्यों होता है, वो कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसेस है, और आप नॉर्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हो यूट्यूब पर तो आप कैसे ढूंढ लोगे, वो आज की वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो गाइज, सबसे पहले तो अपन अपने गूगल क्रोम पे जाते हैं, तो यहाँ पे जाते हैं यूट्यूब पे, और ये मेरा चैनल आ गया। मैं यहाँ पे जाऊँगा स्टूडियो में। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है यूट्यूब की खुद की ऑडियो लाइब्रेरी, जो आपको मिल जाएगी यहाँ, और आप इसको कोई भी आप साउंड जो भी आप चाहते हो अब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइज, ये तो हो गया एक तरीका यूट्यूब की खुद की लाइब्रेरी, लेकिन बहुत लोग यूट्यूब की लाइब्रेरी ऑलरेडी यूज़ करते हैं, तो एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ इसमें। वो ये है कि यूट्यूब के खुद के कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो नो कॉपीराइट म्यूज़िक बना के देते हैं, जिनके मतलब चैनल पे ऑलरेडी म्यूज़िक पड़ा हुआ है। यूट्यूब पे जाएं, सिंपली सर्च करें नो कॉपीराइट म्यूज़िक, और ये आ गया व्लॉग नो कॉपीराइट म्यूज़िक और नो कॉपीराइट साउंड NCS। तो ये आप देख सकते हो इनके खुद के ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक्स आप डाउनलोड कर सकते हो, ये बहुत सारे ट्रैक्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, नॉर्मल आप यूट्यूब करते हो या आपको व्लॉग बनाते हो, आपको म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके के चैनल्स हैं। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो आप कोई भी वीडियो पे आपको क्रेडिट ज़रूर मेंशन करनी पड़ेगी। आप अपने चैनल पे इनका म्यूज़िक लगाते हो, ये देखो यहाँ पे नाम लिखा है, टच डाउन NCS रिलीज़, यहाँ पे आर्टिस्ट का भी नाम लिखा है। तो याद रखना, आप जिस भी आर्टिस्ट को दो, और यार एक एथिक्स की बात है, आप किसी का भी म्यूज़िक यूज़ करोगे कम से कम उसको क्रेडिट तो दोगे ना यार, तो एटलीस्ट ये कर देना, तो आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, वो है साउंड क्लाउड। सिंपली साउंड क्लाउड डॉट कॉम पर जाना है, सर्च पे जाते ही हमको लिखना है रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक। तो गाइज, वैसे ही जैसे यूट्यूब पे पेजेस आ रहे थे, यहाँ पे हमको रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक, अब आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो आपको जो भी म्यूज़िक पसंद आ रहा है। तो एक और जो सबसे बेस्ट जो मैं रेकमेंड करूँगा गाइज, वो है एपिडेमिक साउंड्स, और मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ करता आ रहा हूँ। एपिडेमिक साउंड्स, आप गूगल पे जाओ, उसकी वेबसाइट है epidemicsound.com, तो आप आ जाओगे, और बहुत ही खूबसूरत सी इनकी वेबसाइट है, और गाइज बहुत क्वालिटी कंटेंट है एपिडेमिक साउंड का, आप क्वालिटी सुनो। बहुत क्लीन साउंड है इनका। तो गाइज, और इसमें ना बहुत सारे जॉनर्स भी हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे आप जाओगे आपको साउंड इफेक्ट्स भी मिलेंगे, और अलग अलग जॉनर्स हैं, अलग अलग जॉनर्स आप देख सकते हो। आपको रिलैक्सिंग म्यूज़िक चाहिए, मिस्टीरियस चाहिए, लेड बैक चाहिए,
जो भी आप इसमें जाके अंदर लाइब्रेरी में आप सर्च करोगे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बात करते हैं प्राइजिंग की, तो आप देख सकते हो $15 पर मंथ का प्लान है इनका और 1 महीने का फ्री ट्रायल देते हैं ये लोग। इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर एपिडेमिक साउंड्स। एक चीज़ और इसमें बहुत अच्छी है, वो ये है कि एपिडेमिक साउंड्स के अंदर अगर आप कोई भी म्यूज़िक सुन रहे हो और उसमें वोकल्स इन्वॉल्व है, तो वोकल्स का ना आप एक चीज़ अच्छी ये कर सकते हो कि आप वोकल म्यूट कर सकते हो। तो आप जब भी इनसे फाइल यहाँ से आप डाउनलोड या परचेस करते हैं, दे गिव यू ऑल द स्टेम्स, सारी स्टेम्स आपको मिलती है जिसमें आप वोकल म्यूट कर सकते हो। विदाउट वोकल्स भी आपको मिक्स ट्रैक चाहिए वो भी मिलेगा, तो सब टाइप का फॉर्मेट ये लोग दे देते हैं। तो गाइज़ अब बात करते हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो लोग अपने वीडियोस के लिए जो म्यूज़िक करते हैं तो वो करते कैसे हैं। तो उसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। तो उनका पूरा होल लॉट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब पूरी प्लानिंग होती है और फिर शूट होता है, फिर एडिट होता है और फिर बाद में जाके वो लोग बैकग्राउंड म्यूज़िक करते हैं। और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अपना म्यूज़िक बनाना ही पसंद करते हैं, जैसे कि भुवन बैम। तो उनके जितने भी वीडियोस मैं देखता हूँ, मेरे को समझ में आ जाता है कि जितने सैम्पल्स हैं ये लॉजिक की लाइब्रेरी से उन्होंने लिए हैं। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो म्यूज़िक को मिमिक करके लगाते हैं ताकि उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। मिमिक का मतलब है कि वो उस म्यूज़िक को डुप्लीकेट कर लेते हैं या उसके जैसा म्यूज़िक क्रिएट कर लेते हैं और वो आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ वो एक तरह से उन्होंने खुद से बनवाया है या बनाया है। तो उनका प्रॉपर एक साउंड डिज़ाइन टीम होता होगा या कोई बंदा होता होगा जो साउंड करके देता होगा। तो गाइज़ अभी चलते हैं मेरे लैपटॉप पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं ऑलरेडी। ओके, सो फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल हर्षदीप आहूजा, ये वीडियो में मैं प्ले कर देता हूँ। ओ ले आ भाई मैगी, किथे रह गई? हां जी आ गई। आ लो ले आई मैगी। हां ले आ ले आ ले आ। लो जी आ भाई। एक मिनट डैडी, एक मिनट रुक जाओ। की होया? आया नहीं हले तक, बस पहुंचने ही वाला है। आ गया। ऑलराइट गाइस, तो ये जो सीन है ये एक मूवी से लिया गया है जो म्यूज़िक है, और मोस्टली हर्षदीप आहूजा के जितने भी वीडियोस मैं देखता हूँ उसमें मोस्टली जो म्यूज़िक है वो एवं लुट गया एक फिल्म है, दिस द पंजाबी फिल्म। ओ यारा एवं लुट गया, जस्सी गिल एंड गौहर खान। ऑलराइट, सो हम अब देखेंगे वो सेम म्यूज़िक पीस जो वहाँ पे बज रहा था। ऑलराइट गाइस, तो आपने देखा कि सीन ऑलरेडी इतना क्वाइट है कि पूरा म्यूजिक जो है अगर कट करके वीडियो पे पेस्ट कर दिया जाए तो वो एज इट इज़ फिट हो जाता है। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो गाइस सेकंड एग्जांपल जो है वो मैंने लिया आशीष चंचलानी की वीडियो से, और आशीष चंचलानी का एक वीडियो है मिशन वैलेंटाइन करके, तो इसका एक सीन है वो हम देखते हैं। अरे यार अभी ये कहाँ से आ गया यार, तो सारी परेशानी आज ही होनी है मेरे साथ। ये गाड़ी बाजू ला। हेलो सर। ऑलराइट गाइस, तो ये जो है म्यूजिक आपने सुन लिया है तो आपको ये म्यूजिक फेमिलियर लगता है। मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा म्यूजिक है। तो गाइस ये गाना है हवा हवा फ्रॉम द फिल्म मुबारक। किंग
तो गाइज ये गाना है जिसमें से उन्होंने ऑब्वियसली वो कॉपीड नहीं है, उन्होंने खुद का वर्जन इसका क्रिएट किया है एंड दैट इज़ हाउ इज़ यूजिंग दिस पीस एंड बहुत अच्छा लग रहा था वो। तो गाइज तीसरे एग्जाम्पल पे चलते, वो है हर्ष बेनीवाल। ओके गाइज, तो ये चंक है जहाँ पे पूरा फुकरे का ट्रैक यूज हो रहा है। यहाँ से हम देखते हैं पूरा फुकरे का ट्रैक यूज हो रहा है। सो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो, तो ऐसे ही आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, हर्षदीप आहूजा, जितने भी लोग इस तरह के वीडियोस बनाते हैं, तो इट्स अ होल प्रोडक्शन और वो लोग अपने वीडियोस के हिसाब से अलग अलग मूवीज़ के ही बैकग्राउंड ट्रैक्स को डाउनलोड करके अगर आप उसको काट के लॉजिक प्रो में या जिस भी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो और उसको आप कर दोगे तो बहुत ईजी ऐसे अलाइन करना। एंड मोस्टली इफेक्ट्स होते हैं, कॉमिक इफेक्ट्स यूज़ करते हैं। सो ये पूरा पैची म्यूज़िक है, ये स्ट्रीम लाइन में तो नहीं चल रहा है, एक जैसा भी साउंड नहीं कर रहा है, सबकी स्केल अलग है। तो ये पैच किया हुआ है, ये उन्होंने वहाँ से काटा, यहाँ चिपका दिया। अब अगला चंक आया तब उन्होंने म्यूज़िक चेंज कर लिया। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको इस तरीके का बैकग्राउंड स्कोर करना है, जितनी भी रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ है जिसको हम रोम कॉम कहते हैं, उन सबको आप मूवीज़ को जाएँ, आपके पास आपको जाना है यूट्यूब पे या कहीं पे आपको देखना पड़ेगा, कहीं से आपको वो मूवी मिल जाती है, उसका पूरा बैकग्राउंड मिल जाता है। तो आप मूवी में नोटिस करोगे ना, कहीं पर गाना बजता है तो गाने या कहीं पे थीम बचता है तो वो आपको खाली जगह मिल जाती है जहाँ पे डायलॉग नहीं होता, वहीं से उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पेस्ट कर लेना है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें। मेरे भाई ढूंढ रहे हैं तुम्हें डंडा लेके हल्के में। तो गाइज ये जो मेरी वीडियो थी, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी। मेरे एक सब्सक्राइबर जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो के लिए, इसलिए मैं चाहता था कि ये वीडियो बहुत अच्छे से क्राफ्ट करूँ। तो जो आपके सवाल है वो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए एंड मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो गाइज़ एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ये लोग बहुत बड़ा प्रोडक्शन प्लान करते हैं अपने साथ। तो प्रोडक्शन प्लान होता है तो प्रॉपर एडिट प्लान होता है, तो प्रॉपर साउंड डिज़ाइन प्लान होता है। ये सारा जो म्यूज़िक है वो लोग आप डाउनलोड करके कट करके सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर सकते हो, इतना कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब नहीं है। हाँ, ये इस तरीके का कंटेंट बनाना अपने आप में बहुत एक क्या बोलते हैं ना, एक टैलेंट वाली बात है और बहुत हार्ड होता है इस तरीके का कंटेंट डेवलप करना। तो चीयर्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल द बिग यूट्यूबर्स, हर्ष बेनीवाल, वेर इट बी आशीष चंचलानी, वेर इट बी भुवन बैम, हर्षदीप आहूजा, जिनकी वीडियोज़ मैं पर्सनली देखता हूँ एंड मुझे बहुत पसंद आती है। तो गाइज़ आपको मोर ओवर सारे जवाब मिल गए होंगे इस वीडियो में। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना मत भूलना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।